आज पढ़ना है हमें रॉ के विभिन्न प्रयोग, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा रॉ का मूल रूप और ये है रेफ और पत्तेन के दो प्रकार हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इस वीडियो में हम रेफ और पत्तेन के दो प्रकार पढ़ेंगे, बाकी हमारा मूल रूप तो हमें आता ही है। पहला है हमारा रेफ, ये जो ऊपर आपको मात्रा दिख रही है ना, इसी को हम लोग रेफ कहते हैं। नीचे हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें रेफ का प्रयोग हुआ है, जैसे हमारा सर्प, पार्क, सूर्य, दर्पण, नर्म, बर्तन, पर्वत, वर्ष, बर्फ, हर्ष। अब देखिए हम लोग रेफ का प्रयोग करते क्यों है। अगर आपको लिखना है सर्प और आपने सोचा कि नहीं हम रेफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जैसे लिखते हैं ना वैसे लिखेंगे, आपने लिखा स र प तो ये सर्प थोड़ी होता है, ये तो स र प सर्प हो गया। लेकिन ये तो हम पढ़ सकते हैं ना कि ये सर्प लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। अब पार्क भी हम वैसे ही लिखेंगे, इस तरह से थोड़ी लिखेंगे, पारक ऐसे थोड़ी होगा, पार्क हमें लिखना है, पारक थोड़ी लिखना है। सूर्य भी उसी तरह से, दर्पण भी नरमी। अब देखिए इधर बर्तन लिखा हुआ है, बर्तन हम लोग लिखते थे पहले, ब लिख दिया, रब लिख दिया, त न, ठीक है। लेकिन बर्तन हमारा पहले ऐसे लिखाता था, अब ऐसे नहीं लिखाता। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अब उसको लिखने का तरीका बदल दिया गया है। पर्वत भी हम लोग पहले से लिखते थे चार शब्दों में, लेकिन अब ऐसे नहीं लिखाता। बाकी के शब्द भी हमारा वैसे ही है, वर्ष, बर्फ। अब देखिए हर्ष को हमने लिखा ह र श, तो ये तो हर्ष हो जाएगा ना, हर्ष थोड़ी होगा हमारा, इसीलिए हम लोग ऐसे रेफ डालकर, ठीक है। देखिए अब हमें पदेन देखना है। पदेन को हम लोग दो तरीके से प्रयोग करते हैं, ऐसे हो गया और एक हमारा ऐसे हो गया। तो नीचे को शब्द दिए हुए जिनमें इन दोनों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि हमारा ड्रम, ट्रक, ग्राम, प्रणाम, रुद्र, राष्ट्र, प्रेम, दरिद्र, ट्रेन, प्रण। अब हमारा देखिए जैसे कि हमारा ड्रम लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग ड्रम को लिखेंगे ड र म, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, तो ड्रम हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं ड्रम। इसलिए हम लोग ऐसे पदेन की मात्रा नीचे इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि ट्रक भी लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे तो नहीं ना लिख सकते ट र क, ये तो गलत हो जाएगा, इसीलिए इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। और फिर हमारा दिया हुआ है ग्राम, अब हमने लिखा गा और फिर लिख दिया मूल रूप में र और म, ये तो गारम हो जाएगा, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, इसीलिए ग्राम हो गया। अब देख लीजिए इधर प्रेम भी लिखा हुआ है, तो हमने लिखा प पे की मात्रा र म, ये तो बिल्कुल ही गलत, पेरम हो जाएगा, हमारा तो शब्द ही पता नहीं क्या बन गया, इसलिए हम लोग इस तरह से पदेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।